नमस्कार, मैं निखिल राज सिंह, मेमोरी एक्सपर्ट साइंटिफिक एंड अप्लाइड रिसर्च सेंटर से। अभी पिछले वीडियोस में आपने देखा कि मैंने आपसे कुछ पर्सनालिटी टाइप्स डिस्कस किए थे, जो कि थे डव, ईगल, आउल और पीकॉक। तो ये चार एक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये चार डिफरेंट तरीके की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और कोई इंसान होंगे जो डव पर्सनैलिटी होंगे, कोई इंसान होंगे जो कि ईगल पर्सनैलिटी के होंगे, कोई होंगे जो आउल होंगे और कोई जो होंगे वो पीकॉक पर्सनैलिटी के होंगे। तो अब इसमें एक समझने वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बुरी नहीं है। इसमें एक ध्यान देने की बात है, सपोज लेट से आपका अगर बच्चा या फिर आप खुद ईगल पर्सनैलिटी के हैं, या फिर लेट से अच्छा डव का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डव पर्सनैलिटी के हैं, आपको लगता है कि आप जो है लोगों के सपोर्ट से चलते हैं, बिना सपोर्ट के जो है आप जो है इनिशिएटिव जल्दी नहीं ले पाते, तो चांसेस हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डव पर्सनैलिटी हो। आप इसमें मायूस ना हो, आप ऐसा ना सोचें कि जो है मुझे तो ईगल पर्सनैलिटी की तरह होना चाहिए था या फिर आउल पर्सनैलिटी की तरह होना चाहिए था, जो कि डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं मेनली। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, या फिर अगर आपका बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो उस बच्चे का भी फॉल्ट नहीं है। दिमाग जो है हमारा इसी तरीके से प्रोग्राम हुआ हुआ है, तो ये बात समझने वाली है। और स्पेशली डव पर्सनैलिटी में ये होता है, जैसा मैंने बताया कि वो लोगों के सपोर्ट जो है लेके चलते हैं साथ में। तो आफ्टर अ सर्टेन एज, जब बच्चा जो है वो 25-26 साल का करीब हो जाता है, उसके बाद ही वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग उसके अंदर आ पाती है। सेम वे अगर हम आउल पर्सनैलिटी की बात करें, तो आउल पर्सनैलिटी का मैनेजर, जैसे कि मैंने बताया कि उनका डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी सी स्लो रहती है, तो आप उसकी डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटीज हैं इनके अपने गुण होते हैं। आप अगर चाहें कि आप डव पर्सनैलिटी को जो है ईगल पर्सनैलिटी बना दें, या फिर ईगल को डव बना दें, आउल को पीकॉक बना दें, या पीकॉक को आउल बना दें, तो ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये हमारी इनबॉर्न पर्सनैलिटी है। हम जैसा अंदर से हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। कुछ सिचुएशंस में हम अलग एक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डव पर्सनैलिटी जो है जो कभी भी लाइफ में जो है वो डोमिनेंट हो ही नहीं सकता, लोगों को जो है कमांड नहीं कर सकता, लीड नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। पर डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, या फिर 70-80% ऑफ द टाइम्स, कोई भी इंसान अगर कैसा एक्ट कर रहा है, अगर वो डव की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसकी डव पर्सनैलिटी होगी। और कई बार सिचुएशंस भी हमारी कुछ ऐसी होती हैं, कुछ एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि हमारी कुछ पर्सनैलिटीज़ वेरी करती हैं। इवन मैं कुछ लोगों से मिला जो कि डव पर्सनैलिटी के थे, बट उनके ट्रेट्स जो है ईगल पर्सनैलिटी से मिलते जुलते लग रहे थे। बट जब मैंने उनको बताया कि जो है आप इस तरीके से आपका बिहेवियर है, इनबॉर्न पर्सनैलिटी आपकी डव है, तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ मैं इसी तरीके का हूँ, बट लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने आप को मुझे सुपीरियर दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ईगल की तरह एक्ट करता हूँ, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। तो अगर आपको अपने बारे में जानना है कि आप अंदर से क्या हैं, अपने बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं इस पर्सनैलिटी के हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं इसके सॉल्यूशंस भी आपको दे सकता हूँ। और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।